अपने हक के लिए, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई चोरी वोरी के नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये कितनों को अरेस्ट करके लेके जाएंगे? ये है कि जो गवर्नमेंट है वो नॉन ट्राइबल जो लोग हैं अपर कास्ट के, उनको जो है ट्राइबल का जो है दर्जा दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ये सोच रही है कि वोट बैंक के लिए। वो उनका ये कहना है कि जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं या अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो उनको जो है वोट देंगे। लेकिन ऐसा है कि पहाड़ी जो लोग हैं वो 12 या 15 लाख के लोग हैं, लेकिन जो हमारे गुज्जर या गद्दी सीपी के हम देखें ट्राइबल जो लोग हैं वो 35 से 40 लाख के लोग हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को जो है 12 लोगों को खुश करने के लिए जो है 35 या 40 लाख के लोगों को जो है नाराज़ करना चाहिए। अगर अब इन केस अगर दे भी देती है गवर्नमेंट, तो हम अपनी जो लड़ाई है जारी ही रखेंगे जब तक ना हमें इंसाफ मिले। जो जी डी शर्मा ने रिपोर्ट बनाई है वो हमारे ख़िलाफ़ है। हम जो गुजर लोग हैं, पिछले 20 साल से हमें एसटी जी लगे, हमें एसटी का पता नहीं था, ना उसमें मुराद हमें मिलती थी, ना हमें खाली नाम था लेकिन काम कुछ नहीं था। पिछले 10 साल से जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मोबाइल आया, इंटरनेट आया, इसमें हमें पता लगा कि एसटी क्या है। लेकिन अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे आने वाले जो नस्ल पढ़ रही है, तो ये एसटी जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनकी फ्यूचर का, उनकी इज्जत का मसला है, उनके मुस्तकिल का मसला है। 370 की एब्रोगेशन के बाद बीजेपी ने बहुत सारी कोशिशें की कि हम रजौरी पूंछ में किसी तरह से पहुंच जमाएं। लास्ट का जो इलेक्शन हुआ आपने खुद भी देखा, डीडीसी का इलेक्शन, बीजेपी रजौरी से एक सीट जीत पाई, बीजेपी ने डीडीसी की एक सीट जीती। रविंदर रैना साहब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, घर से डीडीसी की सीट हार गए। तो बीजेपी को लग रहा था कि रजौरी पूंछ में एंट्री नहीं हो रही है, तो गुजर बकरवाल्स को जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, तो उसके बाद बीजेपी ने बीजेपी के जो लीडर थे, पहाड़ी लीडर विद इन पार्टी, उनको ही बोला कि आप डिमांड रेज कीजिए कि हमें जी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दो। होम मिनिस्टर साहब ने रजौरी में स्पीच की कि भाई हम जो है गुजर बकरवाल्स का कोटा जो है वो इंटैक्ट रखेंगे और पहाड़ी समुदाय को अलग से दे देंगे। बारामूला में भी सेम कहा गया। फिर आपने देखा कि जब पार्लियामेंट हाउस में बिल आया तो वहाँ कोई इस तरह का बिल में कोई कंटेंट नहीं था। उसमें लिखा था कि हम पडरीज को भी ऐड कर रहे हैं, हम गदा ब्राह्मण को भी कर रहे हैं, हम कोलीज को भी ऐड कर रहे हैं और हम पहाड़ी एथनिक ग्रुप को भी इसमें शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर रहे हैं। फिर उसमें कहीं सेपरेट वो जो सेपरेशन की बात की थी उन्होंने, वो कहीं नहीं था, बाइफर्केशन कहीं नहीं दिखा आपको। The dropout of our community is 50% and 60% in class 10th, and they are asking us to compete with the people who are studying in the foreign universities like Cambridge, Oxford. How we people can compete with those people who are studying in Oxford and Cambridge? It's an illogical thing, it's an unfactual thing to compete with those people who are lower classes, who are upper classes. बाकी जिन कौमों को एडजस्ट कर रही है, हमें पता प्रूफ है कि उनके बड़े बड़े डिग्रियां हैं, बड़े बड़े डिग्रियां हैं। ये एसटी तो उस लोग के लिए जिसके पास 8-10 दसवीं मात्र वो पास पढ़ नहीं सकता, ये एसटी तो उसके मुराद के लिए है। जिसने ग्रेजुएशन किया, बड़ी बड़ी तालीम कर लिया, उसको एसटी की क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये लगता है गवर्नमेंट तो आपस में लड़ाना चाहती है। ये वोट का मसला है और कुछ मसला नहीं है। बाकी ये ऐसे लड़ाती है, गुजर और पहाड़ी को लड़ाती है आपस में, तो मुझे इसमें यही दिखता और कुछ नहीं देख सकता। मैं ये कहता हूँ जो आने हमारी वाली नस्ल है, इस पर बहुत ही असर पड़ने वाला है, उसका बहुत ही असर इसका पड़ने वाला है उस पर। उनको यार मेरे ख्याल में उनका एक किस्म से एक गला काटने का, मैं आपको कहता हूँ, ये उनके हमारे छोटे बच्चों का, आने वाली नस्लों का गला काटने का ये एक प्रोग्राम बना रहा है। 15 करोड़ ट्राइबल्स हैं हिंदुस्तान में,
और 10% रिजर्वेशन है। वहाँ तो कहीं नहीं ना लिखा कि भाई यहाँ गुजर बकरवाल अलग से हैं, मीनाज अलग से हैं, आदिवासी अलग से हैं या इस तरह से। कहीं आप देखोगे नेशनल लेवल पे कहीं आपको कोई बाइफरकेशन नज़र आती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा विद इन कोटा की कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो हमें भी ये पता था कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये इस तरह का हमें जो है कजिया छेड़ा जा रहा है। तो हमने उसको अपोज करना स्टार्ट किया, हमने ट्राइबल मार्च निकाला, कुपवाड़ा से स्टार्ट किया, कालाकोट में जब सरकार ने हमसे डायलॉग इनिशिएट किया तो हमने सस्पेंड किया, और फिर हमने कहा था कि अगर छेड़छाड़ इस तरह की हुई तो हम दोबारा करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में बिल गया, यहाँ जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हज़ारों की तादाद में कश्मीर में, जम्मू में, चनाब रीजन में, पीर पंचार रीजन में बड़े बड़े महापंचायत होने वाले हैं, और गुजर बकरवाल जो है इस मोमेंट को बड़ा करेंगे। इनकलाबा, इनकलाबा, इनकलाबा।